क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? क्या हुआ? स्वामीनाथ और तीन लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। मंदिर के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। अभी नहीं मिलना चाहता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या आज आप अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएंगे? आपसे मिलने वाले कितने लोग हैं, क्या आप किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे? आप जमींदार हो, आप सबका तकलीफ दूर करते हो। तुम उनसे बात करो, उन्हें क्या चाहिए, जाओ पूछो। चले गए। आपको क्या तकलीफ है? मुझे मेरे भाई की याद आ गई। इस वक्त कौन आया होगा? मैं मरार, मुझे माफ कीजिए, मैं पीकर आया हूं। बहुत मुश्किल से उस भैरव की जगह को ढूंढ निकाला। जोश नरीमन को उसे बुलाकर लाने को भेजा था, मगर उसने कहा कि वो काम नहीं करेगा। उम्र हो गई है उसकी। उस आदमी को भी हैदर मडकरी ने खरीद लिया क्या? हो सकता है। भैरव को बुलाता हूँ मैं। आपके बुलाने से आएगा? आप पुलिस वाले बुलाएंगे तो वो नहीं आएगा। वो कहाँ रहता है? तमिलनाडु के बॉर्डर से सिर्फ 5-6 घंटे का ही रास्ता है। मुनीम जी। जी। भद्रा को गाड़ी तैयार करने के लिए कहो। मैं नहीं, बाहर जाते समय मैं फालतू बातें नहीं सुनना चाहता। चलिए। हाँ ड्राइवर। यस सर। इस कार को फॉलो करो। ओके सर। वैसे मैं सही बताऊं तो जल्लाद बहुत बड़ा वीआईपी है, इसलिए हम उससे यहाँ मिलने आए हैं। मुझे डर लग रहा है साहब, 2 दिन पहले एक पुलिस वाला आकर मिला था, मैंने सब कुछ बता दिया। जैसा है, सजा देने का अधिकार सिर्फ जज को है और मारने का अधिकार तुम्हारा है। नहीं, मैंने मारने का काम बंद कर दिया। अचानक तुमने ये काम बंद क्यों कर दिया, क्या कारण है इसका? जज आँखों पर पट्टी बांध कर सजा दिया करते हैं, लेकिन गले में रस्सी डालकर मारने का अधिकार जल्लाद का ही होता है। इस दुनिया में जल्लाद के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं। ईश्वर खुद ही धरती पर आकर काम करने वाला काम आप ही कर रहे हो, यह सबसे बड़ी बात है। एक कातिल को मारने के लिए आपको मिलने वाले 150 रुपये बहुत ही ज्यादा कम है। सोचो मत, अपना काम शुरू करो। पैसा नहीं चाहिए मालिक, मुझे मेरी जान प्यारी है, मुझे माफ कर दीजिए। चलो चलते हैं। साहब रुकिए, इस आदमी का काम मैं करूंगा। आप कौन हो? मैं काशी हूँ, ये मेरे बड़े भाई हैं। ए, तुझे किसने कहा बात करने के लिए, चल अंदर आ। अरे भगवान ने मौका दिया तो तुम क्यों छोड़ रहे हो? सारे गांव वाले पूछने लगे कि तुम्हारा भाई काम पर क्यों नहीं जाता, लोगों को मारने की खुशी और कहीं नहीं मिलेगी। तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो पेंशन मिलता है। मैं आ रहा हूँ सर। इससे पहले तुमने किसी को मारा है? हाँ, मैंने बकरे को मारा है। मुझे फांसी पर कैसे लटकाना है ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भाई के साथ बहुत गया हूँ।
पहले फांसी की रस्सी में मक्खन लगाना, रस्सी की ताकत को चेक करना, आदमी को पीछे से बांधना, ये सारा काम मैंने किया है। अगर आपको डाउट है तो आप मेरे भाई से पूछ लीजिए, लेकिन आप चिंता मत करिए। साहब ये पागल है। आप अंदर जाइए, मर्द हो तो हिम्मत होनी चाहिए, भले ही जान क्यों ना चली जाए मगर अपनी वीरता को खोना नहीं चाहिए। मुक्ता महाराज ने हमें सिखाया है, ये हमारा खानदानी काम है। बहुत लोगों को मारने वाले हैदर को तुमने फांसी पर लटकाया, ऐसा इतिहास बनेगा। पूजा करके तैयार रहना, तो कल तुम्हें जोश नरिमन लेने आएगा। अरे सर ये काम कल नहीं हो सकता, इस काम को करने के लिए 3 दिन की पूजा और हमारी भगवती देवी को एक मुर्गा पूजा में देना होगा। ठीक है, उसके बाद तैयार रहो। ये रख लो। शुक्रिया सर। ठीक है मैं चलता हूँ। हाँ भद्रा, तुम्हें 3 दिन के लिए यहीं रहना होगा, सावधानी से रहना होगा। हाँ काशी जल्लाद बनकर सेंट्रल जेल जाने तक उसे सुरक्षित रखना होगा। ठीक है। लो साहब, क्या आपने मुझे पहचान लिया? श्रीनाथ मड़ियार से हूँ मैं, ये कार खरीदने वाला, अभी आप पहचान गए, सही कह रहा हूँ ना? हाँ सच कहूँ तो इस कार के आने से मेरी किस्मत ही बदल गई, इसकी वजह से मेरा मान सम्मान बढ़ गया। भैया गाड़ी ट्राई करके देखिए भाई, सब ओके इसमें। ये लीजिए, आप बस ट्राई करके देखिए, लीजिए आप भी जाइए, जाइए ना, आप भी जाओ। नहीं हाँ गाड़ी कैसी है? अच्छी है, लेकिन सारे नंबर जोड़े तो 8 आ रहा है, 9 होता तो अच्छा होता। कोई भी नंबर हो क्या फर्क पड़ता मुनीम जी। ठीक है मैंने तो ऐसे ही कह दिया। क्या आप भी? कैसी लगी, अच्छी है ना गाड़ी? बहुत अच्छी है। हाँ पुजारी जी ने गाड़ी ली है, पूजा हाँ, करके दीजिए। पुजारी जी हाँ? ये जिसने भजन गाया वो कौन है? वो कुंजा कनन की बेटी है। कुंजी कन्नन की बेटी हो? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? माया। तुम्हें बचपन में देखा था, उसके बाद से नहीं देखा। मैंने 4 साल म्यूजिक एकेडमी से कोर्स किया है, अब जाकर कोर्स खत्म हुआ। मैंने सुना आपका भजन बहुत अच्छा था, आप मुझे जानती हो? आप हमारे जमींदार के भाई हो ना? मैथिली दीदी से कहना मैंने याद किया। आप उन्हें जानती हैं? हाँ अच्छे से जानती हूँ, हम मंडियार के स्कूल में साथ में पढ़ते थे। अपनी शादी के बारे में मैथिली दीदी ने चिट्ठी लिखी थी, मेरा एग्जाम होने के कारण मैं नहीं आ पाई। जब हम स्कूल में पढ़ते थे बड़े घोड़ा गाड़ी से जमींदार जाते थे, वो हम देखते थे, उस पर बैठने के लिए मैथिली दीदी हमेशा चाहती थी। हमारे जमींदार जी बहुत बड़े दिल वाले हैं।
उस लड़की का नाम क्या है? माया। माया। मैथिली, आज सुबह सुबह कुंजी कन्नन के घर जाना होगा। किस लिए भैया? उससे मंद के बारे में बात करने के लिए। तुम्हें कोई तकलीफ? मुझे कोई एतराज नहीं, किसके लिए? मैथिली, हमारे छोटे के लिए उस घर से लड़की ला सकते हैं क्या? एक नंबर होगा, देवर जी को गाना गाते वक्त मैंने देवर जी की हरकत देखी है। अरे बैठो बैठो बैठो। भैया आप बिना जरा सा दाग है तो भी जमींदार का नाम खराब होगा। वो तुम्हें पसंद है? ये क्या है भैया? अरे मेरी बात समझ में नहीं आ रही, आप इनसे बात करो। अरे रुक तो। हाँ एक बात और, उस कुंजी कन्नन के पास हमारा कोई भी पैसा बाकी वाकी नहीं है। अच्छा ही है, शादी की बात करना है उसके घर से हमें क्या मतलब? ये मुनीम जी तो हमेशा पैसे के लेन देन पर ही ध्यान देते हैं और कुछ नहीं। ये क्या भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ? जमींदार की बातें सुनकर मैं तो हवा में उड़ने लगा हूँ। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। थोड़ी देर पहले इसकी कुंडली ज्योतिष को दिखलाया था तो उन्होंने कहा कि इसकी शादी तो एक बहुत बड़े घर में होगी। जमींदार आप जैसे चाहो वैसे होने दीजिए, अब आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। एक अच्छा सा मुहूर्त देकर करवा देते हैं। ठीक है जी। हाँ एक अच्छा सा मुहूर्त देकर करवा देते हैं।